राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 3 दिन की जमैका यात्रा में है। राष्ट्रपति जमैका का गवर्नर जनरल पैट्रिक एलन रे साथ है। प्रतिनिधि मंडल स्तर री वार्ता करेला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आरोप मांडियो के गहलोत सरकार में सामंजस्य रो अभाव है। गया राज्य सरकार आपरी बजट घोषणावा ने पूरी करवा में असमर्थ। सिरोही जिला रा उत्मन रे कन्ने सड़क हादसा में 6 लोगारी मौत, 5 दूजा लोग घायल। बैंकॉक में थॉमस कप बैडमिंटन रा फाइनल में आज भारत लारला चैंपियन इंडोनेशिया ने 3-0 सु हरार थॉमस कप रो गोल्ड मेडल जीतर इतिहास बनायो। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी, कई जिला में आवता 2 दिन तय लू चल सके है। नमस्कार, समाचार में आप रो स्वागत है। और अब समाचार विस्तार सु। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सु 3 दिन री जमैका यात्रा माथे है। इन दौरान राष्ट्रपति जमैका रा गवर्नर जनरल पैट्रिक एलन रे साथे प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेला। इनके अलावा वे प्रधानमंत्री और दूजा जानिया मान्या लोगों सु भी मुलाकात करेला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 से 18 मई तक जमैका के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यात्रा के दौरान वो अपने समकक्ष जमैका के गवर्नर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वो प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। वो जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। जमैका और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। यहाँ पर 70,000 भारतीय प्रवासी बसते हैं। राष्ट्रपति 18 से 21 मई तक सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की राजकीय यात्रा भी करेंगे। यात्रा के दौरान वो अपने समकक्ष गवर्नर जनरल सुसान डॉगन से बात करेंगे। वो प्रधानमंत्री डॉक्टर राल्फ ई गोंसाल्वेस के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे और इसके अलावा राष्ट्रपति वहां विधान सदन को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 16 मई को किंगस्टन शहर में टॉवर स्ट्रीट के नाम में बदलाव का प्रतीक पट्टिका का अनावरण करेंगे। ये आयोजन सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए बड़ी लड़ाई में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को मान्यता देता है। जमैका के लोग मार्क्स गार्वी का काफी सम्मान करते हैं, जो असमानता से लड़ने के लिए कई आंदोलनों में शामिल हुए थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आरोप मांडिया के गहलोत सरकार में सामंजस्य नहीं है और प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, जिन वजह सु राजस्थान में कई घटनावा भी है। दूरदर्शन सु बातचीत में वे कहा कि राज्य सरकार आपरी बजट घोषणावा ने पूरो नहीं कर रही है। चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस दिन अस्तित्व में आई थी उससे पहले ही सरकार में 2 धड़े बने थे और सरकार आपसी विग्रह का शिकार हो गई थी और पार्टी एकदम वर्टिकल रूप से डिवाइडेड ऐसा नजर आती थी। धीरे धीरे दिन बीते, पार्टी के नेता, पार्टी के दोनों धड़ों के एक दूसरे धड़े के मंत्री जिस तरह से विधानसभा के पटल से लेकर के और धरातल तक एक दूसरे को नीचा दिखाने के जिस तरह के प्रयास करते थे, सरकार में सामंजस्य नहीं है, ये स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा था, अनुभव किया जा सकता था। राजस्थान सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी कुर्सी बचाने की काम में इतना ज्यादा मशगूल थे, इतना ज्यादा व्यस्त थे कि राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से उनका ध्यान हट गया। क्या घटना राजस्थान में नहीं हुई, हम सब जानते हैं। राजस्थान देश में सबसे ज़्यादा रेप्स जिस प्रदेश में हो ऐसा प्रदेश बना। राजस्थान जैसा शहर जहाँ महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, राजस्थान जिसका स्मरण मात्र करते ही लोगों के जहन में जो है वो पन्ना धाय गोरा धाय का बलिदान स्मरण में आता था,
जिसका स्मरण करते ही हाड़ी रानी का बलिदान दिखाई देता था, मीरा का भक्ति भाव और प्रेम दिखाई देता था, पद्मिनी का जौहर दिखाई देता था। उस राजस्थान में को बाल अबोध बच्चियों के साथ में दुराचार की राजधानी बना दिया गया, और इतना सब होने के बावजूद भी सरकार के मंत्रियों की मानसिकता कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर के कहते हैं कि ऐसा तो इसलिए है कि राजस्थान में मर्द निवास करते हैं, ये उनकी मानसिकता का परिचायक था। थानों से अपराधियों को बंदूक की नोक पर गोलियां चला करके छुड़ाना और कचहरी में जो है गैंग वॉर होना, ये राजस्थान में आम बात हो गई। SC ST के प्रति अत्याचार के मुकदमों में राजस्थान में बाढ़ आई, राजस्थान एक नंबर पर पहुंचा। इस तरह की भयावह स्थिति राजस्थान में बनने के बावजूद भी सरकार अभी भी अपनी कुर्सी बचाने के शगल में व्यस्त है, और उसके बाद में अपने खिसकते हुए जनाधार के चलते केवल एक मजहब विशेष के मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखने की लालसा में अब राजस्थान को सांप्रदायिक दंगों, अब तक कांग्रेस ने संप्रदाय के आधार पर, मजहब के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर समाज को बांटने का कुत्सित पाप तो किया ही था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी मजहबी उन्माद फैला करके अपने वोट बैंक को बनाए रखने का प्रयास कर रही है। राजस्थान की जनता और ये अमन पसंद जोधपुर कभी इसके लिए वर्तमान सरकार को माफ नहीं करेगा। दौसा जिला में घर घर औषधि योजना रा दूजा फेर ने लेर वन विभाग पूरी भांत तैयार है। जिलारी नर्सरी में औषधीय पौधा तुलसी अश्वगंधा तैयार करिया जा रहा है। वन विभाग कान्यू मानसून आबामा थे इन औषधियां पौधा ने घर घर बांटो जावेला। लारला बरस 1,45,000 सु पत्ता परिवार ने औषधीय पौधा बांटे गया है। घर घर औषधि योजना में इस बार जो फेज सेकेंड है उसमें जो रिमेनिंग 50% फैमिलीज है उनको कवर करने का टारगेट है, जिसमें टोटल 1,45,601 फैमिलीज हैं जो इस बार कवर होने हैं, जिसके लिए हमको 12,81,284 प्लांट्स हमको रेज करने हैं अश्वगंधा कालमेघ किलोई और तुलसी के, और जिसके हमारे पास टारगेट्स आए हैं और हमारे नर्सरी में इनकी पौध तैयारी की कार्रवाई चल रही है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कोटा माय रामपुरारा गांधी चौक माय राख्या नरसिंह जयंती समारोह माय भाग लेर देश माय उन्नति और खुशहाली री कामना करी। समारोह माय हिरण्य कश्यप रा 25 फीट रा पुतला रो वध करियो गयो। वणा नरसिंह अवतार री बधाई देता था का कया के भगवान नरसिंह जिन भांत बुराइयां रो अंत करियो हो इनसु प्रेरणा लेर माने समाज माय उन्नति और विकास खातर काम करनो चाहिए। सिरोही जिला रा उथमन रेका ने सड़क हादसा में आज 6 लोगारी मौत वेगी और 5 दूजा घायल वे गया। जानकारी रे मुजब शिवगंज सु सिरोही रिकाने आ रियो ट्रेलर उथमन रेका ने डिवाइडर पार कर दूजी सड़क माथे आ गयो, जिन सु या दुर्घटना भी। आज सुबह सिरोही और शिवगंज के बीच में जो पारडीएम क्षेत्र है, टोल क्षेत्र है, तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ। जोधपुर से जो ट्रोला सिरोही की तरफ आ रहा था वो डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी तरफ गया, दूसरे ट्रोले से टकराया, उससे 2 गाड़ियाँ और चपेट में आ गई। जैसे ये सूचना मिली जिला प्रशासन के अधिकारी माननीय जिला कलेक्टर साहब SP साहब और मेडिकल की पूरी टीम वहाँ पर पहुंची, सभी ने प्रयास करके जल्द से जल्द घायलों को हॉस्पिटल पहुँचाया, और इस एक्सीडेंट में 6 लोगों की जान गई है, 5 लोग घायल हैं, जिनमें से एक का इलाज शिवगंज हॉस्पिटल में, 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिरोही में, एक अभी सुमेरपुर और एक उदयपुर में एक का इलाज चल रहा है। वठी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 8 माथ है एक दूजा सड़क हादसा में 4 लोगारी मौत वेगी और 6 दूजा लोग घायल वे गया। हादसो बस और ट्रेलर रे टकरावा सुबियो। जानकारी रे मुजब मानसिंह जी रे गुड़ारे कन्ने बेकाबू बस रे ओवरटेक करवारी वजह सु यो हादसो बियो। सुबह 5 बजे के लगभग सूचना मिली कि मानसिंह जी अगुड़ा गाँव में नेशनल हाईवे पे बस का एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर हालात उच्च अधिकारियों को अर्ज करते हुए मौके पर पहुँचे, एम्बुलेंस 108 वगैरह को कॉल कर मौके पर तलब किए। मौके पर पहुँचने के बाद
श्रीमान थानाधिकारी जी थाना चारबोजा, सीओ साहब गोमती, एडिशनल एसपी साहब राजसमंद, कलेक्टर साहब राजसमंद सभी मौके पर पहुँचे। घायलों को आरके हॉस्पिटल राजसमंद इलाज के लिए भिजवाए और जो मृतक चार जो व्यक्ति थे, एक बच्चा और तीन आदमी, उनकी डेड बॉडियों को आरके हॉस्पिटल राजसमंद पहुँचाई। घायलों का इलाज कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर कानियों बोन ट्यूमर कैंसर कॉन्फ्रेंस आज पूरी हुई। इन दौरान करीब 250 से बत्ता विशेषज्ञ बोन ट्यूमरी जांच और कैंसर सेल रिपिचान रा बारा माय विस्तार सु जानकारी दी। इनके साथ ही बोन ट्यूमरा रोगिया माय कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी माथे चर्चा की। सेमिनार माय कैंसर ग्रस्त बोन ने लिक्विड नाइट्रोजन रे जरिए दोबारा अंग सु जोड़बारी प्रक्रिया माथे चर्चा करी गई। तीन दिवस की हमने कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें पहले दिन हमने पेशेंट रिलेटेड प्रोग्राम किया था, जिसमें कैंसर पेशेंट जो भी हमारे अभी तक ऑपरेट हुए हैं, लगभग 8 साल के आसपास के जो फॉलोअप पेशेंट्स हैं, उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन दिए, अपने अनुभव शेयर किए और लोगों को जागरूक किया कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी इलाज संभव है। एक भाग में मेडिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वाले जो डॉक्टर्स हैं, उनका आपस में विचार विमर्श हुआ कि कैसे हड्डी कैंसर में ऑपरेशन के साथ में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों देकर अपन किस तरीके से मरीज की जिंदगी की बढ़ा सकते हैं, उसके पांव या अंग को बचा सकते हैं और उसको बीमारी से रहित जिंदगी दे सकते हैं। दूसरी तरफ जो सेशन था, उसमें ऑर्थोपेडिक का, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट का सेशन था, जिसमें जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, क्योंकि जब भी पेशेंट आता है तो पहले एक्सरे कराता है, एक्सरे में अगर वो बोन ट्यूमर डायग्नोस हो जाए तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाके सही इलाज ले पाता है। फिर दूसरा पार्ट आता है कि एक्सरे एमआरआई के बाद हम उसकी बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी जाँच को पैथोलॉजिस्ट देखते हैं, अगर वो एक बार में सटीक डायग्नोसिस हमको दे सकें तो हम मरीज का इलाज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कंगारू मदर्स डे आज जयपुर राज चांदपोल महिला अस्पताल माए कार्यशाला रखी गई, जिनमें कंगारू मदर्स केयर डे माथे पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई और जागरूकता अभियान रे तहत चर्चा करी गई। इन दौरान नवजात शिशु इकाई प्रभारी डॉक्टर कैलाश मीणा केएम सीरी तकनीकी जानकारियां दी। इन दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा नागर, प्रभारी रमेश सैनी, डॉक्टर आलोक गोयल, डॉक्टर विजेंद्र गर्ग, नर्सिंग अधीक्षक सारिका शर्मा समेत नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहियो। ये जो कंगारू मदर केयर है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष करके कम वजन के बच्चों के लिए। हालांकि फ़ायदेमंद तो ये पूरे वजन के बच्चों के, जो फुल टर्म बच्चे होते हैं उनके लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है, पर विशेष करके प्री टर्म बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बच्चे को जो फ़ायदे जैसे बताए गए कि भाई इतना छोटा बच्चा है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल प्रॉपर नहीं हो पाता, तो टेम्परेचर एक माँ से स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, माँ के अलावा उसके पिताजी, बच्चे के पिताजी भी दे सकते हैं ये केयर, उसकी ग्रैंड पेरेंट्स भी दे सकते हैं, उसके बहन भाई भी दे सकते हैं, कोई भी पारिवारिक सदस्य दे सकता है। तो एक तो टेम्परेचर उसका मेंटेन रहेगा बच्चे का, क्योंकि इनमें हाइपोथर्मिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और साथ ही साथ बच्चे को दूध बहुत जल्दी मिल जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया की टेंशन नहीं रहेगी। केम्स एक ऐसी तकनीक है कि जो एक भगवान ने दिए मदर को गॉड गिफ्ट, जिससे कि आप समझ लो एक माँ को शक्ति दी, एक चलती फिरती नसें बनाने की। अगर बच्चा केम्स में रहेगा तो बच्चा गर्म रहेगा, उसके इन्फेक्शन नहीं होगा, उसको दूध मिलता रहेगा। जैसे मैंने बताया कि तीन कारण होते हैं बच्चों में मृत्यु दर के, इन्फेक्शन होना, कुपोषण होना एंड हाइपोथर्मिया। तो अगर ये देंगे केम्स ही तो सब कुछ कम करके हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा राखी जारी है। काल दूजा दिन करीब 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दी। एडीजी विनीता ठाकुर बतायो कि अभ्यर्थियों ने परीक्षा समय सु 1.5 घंटा पहली परीक्षा केंद्र में प्रवेश दियो गयो। दो पारिया में वैरी परीक्षा रो आज तीसरो दिन है। सगला परीक्षा केंद्र माथे जैमर लगाया गया है। काले परीक्षा रो आखिरी दिन वेला। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण का 55 नया मामला सामने आया। इन महसूस समूह बत्ता 33 संक्रमित जयपुर में मिलिया। इनके अलावा अलवर माए 9, सवाईमाधोपुर माए 4, चूरू, झालावाड़ और नागौर माए 2-2 और दौसा, कोटा और उदयपुर माए 1-1 नयो मरीज मिलियो है। इन बीच राज्य में 113 मरीज इन बीमारी से ठीक हुआ है। इनके साथ ही एक्टिव केस घटर 558 हुआ है।
प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो प्रकोप जारी है। प्रदेश री बत्ती ठोरा माए गर्म हवा चाल पासू लोग घर माए कैद है। पेश है मां का खबर नवीस राहुल शर्मा री एक रिपोर्ट। प्रदेश में भीषण गर्मी व लू का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में लू से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज धूप के साथ तापमान में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों सहित धौलपुर और श्रीगंगानगर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद मौसम विभाग ने प्रदेश के 2 जिलों में रेड और 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में सबसे अधिक तापमान धौलपुर में 48.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं श्रीगंगानगर में 48.1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। राजधानी जयपुर में भी तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में भी पारा 47 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में प्रदेश को गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। तेज गर्मी के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 16 मई तक प्रदेश में गर्मी का सितम ऐसे ही बना रहेगा। हालांकि इसके बाद मौसम में हल्का सा बदलाव दिखाई दे सकता है, जहां 17 मई से प्रदेश के पश्चिमी राजस्थान और इससे लगे इलाकों में बादल गरजने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। वहीं तापमान बढ़ने से शहरों में नींबू पानी छाछ दही और जूस की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। लोग घर में बैठे हैं, बाहर निकलते नहीं है, तापमान बहुत ज्यादा है। गर्मी में देखिए ग्राहक घर से निकलते नहीं है, अब घर में बैठते हैं। आपको मौसम ठंडा होता है, जब जूस पिलाते करते घूमते 6 साल हो गए घूमते हुए। चमक घर में तो पूरा हाल कर रखा है, चेहरे पे मास्क ये लगा के रखे हैं, दुपट्टा रखे हैं। गर्मी तेज है, वो भी तेज है। 2-2.5 बजे तक काम करते थे, लेकिन अब 10-11 बजे इच्छा होती है कि घर चले, क्योंकि घर में बर्दाश्त नहीं होती है। धूप से बचाव के लिए हमेशा सिर पे कपड़ा रखना चाहिए। इसके अलावा प्याज का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, प्याज का रस पानी में डाल के 2-4 घूम जरूर लेना चाहिए। जयपुर से संवाददाता राहुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में इन दिना पड़ रही भीषण गर्मी रो असर सबू बत्तो पशु पक्षियां माथे देखबाने मिल रियो है। शहर में पेड़ा री संख्या लगातार कम वेरी है, इनसु बेजुबाना ने छाया नहीं मिल रही है। जयपुरा रामनिवास बाग स्थित चिड़ियाघर में भी पक्षियां ने राहत देबा खातर कई इंतजाम किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। बढ़ते तापमान में जहां एक ओर आम इंसान परेशान है, वहीं बेजुबान पशु पक्षियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जयपुर के चिड़ियाघर में रह रहे पशु पक्षियों के लिए बढ़ती गर्मी के मद्देनजर विशेष व्यवस्था की गई है। उपवन संरक्षक वन्यजीव अजय चित्तोड़ा और चिड़ियाघर के डॉक्टर अशोक तंवर ने बताया कि चिड़ियाघर के पशु पक्षियों के लिए खाने में परिवर्तन किया गया है। जहां पहले उन्हें स्टील के बर्तन में पानी दिया जाता था, वहीं अब मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही शरीर के तापमान को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर उन्हें ग्लूकोज, इम्यूनिटी बूस्टर और मल्टीविटामिन दिए जा रहे हैं। गर्मियों को देखते हुए अभी जो है चिड़ियाघर के अंदर और नागर बायोलॉजिकल पार्क के अंदर हमने जो है ग्रीन नेट्स लगवा दिए, जिससे कि जो है उनको भीषण गर्मी से बचाव हो जाए। साथ में फव्वारे का संचालन किया जा रहा है, जिससे कि अगर उनको फिर भी हीट महसूस होती है तो उसके अंदर थोड़ी देर बैठकर जानवर अपने आप को रिलीफ पा जाता है। उसके अलावा हमने डाइट जो है, मतलब जो गर्मी की डाइट होती है, वो उनको जानवरों को देना चालू किया है, जिससे कि उनका गर्मी से बचाव हो सके। तो अभी तो जो भी हमारे द्वारा जो इंतजाम किए जाने होते हैं गर्मी के लिए अंदर, वो हमने पूर्ण रूप से तैयारी कर रखी है। गर्मी को देखते हुए इनके सबके इंतजाम किए गए हैं। जिनके बड़े केजेज हैं, उन केजेज के अंदर सैड नेट लगा दिया गया है, जिससे डायरेक्ट हीट उनको ना मिल पाए और वो अपने आप को अच्छा फील करें। उसके अलावा जहाँ पंखे की व्यवस्था थी, वहाँ पंखे की व्यवस्था की गई है, कूलर चालू कर दिए गए हैं, स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं, फुहारे लगाए गए हैं। और खाने की बात करें, जैसे अभी जो कुछ हमारे पास में हर्बीवोरस एनिमल भी हैं, उन एनिमल्स के लिए तरबूज और ककड़ी और खीरा हमने चालू कर दिया गया है। पक्षियों की बात करें तो पक्षियों के जो पानी के जो बर्तन जो स्टील के हुआ करते थे सर्दी के अंदर, उनको हमने रिप्लेस किया है मिट्टी के बर्तन के द्वारा, जिसमें उनका पानी ठंडा रहे। उसी मिट्टी के बर्तन में जिन पक्षियों को हम
दवा पानी में देते हैं, उन्हीं पानी के अंदर हम उन पर दवा मिलाते हैं। दवा के अंदर स्पेशली हम ग्लूकोज और इलेक्ट्रोल का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनको गर्मी से हम बचा सकें। एक दिन छोड़ के एक दिन ग्लूकोज इलेक्ट्रोल होता है और एक दिन सप्ताह के अंदर इम्यूनोमोड्यूलेटर होता है, जो इनकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का कार्य करता है। उसी बॉडी में इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा तो उनको कम से कम नुकसान इस गर्मी के अंदर होगा। जयपुर के चिड़ियाघर को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते रहते हैं। यहाँ आए लोगों का कहना है कि पशु पक्षियों के लिए गर्मी के मद्देनजर अच्छी व्यवस्था की गई है। उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पानी के फव्वारे और जालीदार नेट लगाई गई हैं, जो कि सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जैसे कि हम मुंबई से आए हैं और जैसे कि हम यहाँ पे जू में फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे जयपुर में, तो सुविधा तो बहुत अच्छी है यहाँ पे। जैसे कि गर्मी तो बहुत है और देखा जाए तो ऐसा फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है, पानी छोड़ रहे, फव्वारा छोड़ रहे सब, और है देखभाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। खाना पीना बहुत टाइम पे मिल रहा है इनको, मच्छी सब दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हम भरतपुर से आए हैं, पहली बार आए हैं यहाँ जू में देखने। गर्मी के देखते हुए यहाँ काफ़ी प्रबंध है, सभी पक्षियों के लिए छाया वगैरह की व्यवस्था भी की गई, और जो मगरमच्छ वगैरह हैं उनके लिए पानी बदलना वगैरह चल रहा है, अच्छा काम है यहाँ पे। इधर जू में तो बहुत अच्छा लगा सर, देख के जो हिरन देखा, उसके बाद ये वैराइटीज टाइप का बर्ड्स देखने के लिए मिला, इमू जैसा है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं बदक है लंबा साइड का, बहुत अच्छा लग रहा है हमको देख के। मैं पहली बार जयपुर आया वेस्ट बंगाल से और मैंने ये जू देखा, बहुत अच्छा लगा। मैंने ऑस्ट्रिच देखा, बहुत वैराइटीज के बर्ड्स देखे। हम वेस्ट बंगाल से आए और यहाँ पे आके थोड़ा देखा कि बर्ड्स देखे हैं हिरन, तो यहाँ पे बहुत गर्मी है लेकिन बर्ड्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था भी है, जैसे स्प्रिंकलर कर रखा है और फिर पेड़ भी लगा रखे हैं, तो ये जगह बहुत अच्छी है। जयपुर चिड़ियाघर में जानवरों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि गर्मी से उनका बचाव हो सके। दूरदर्शन समाचार जयपुर। बैंकॉक में थॉमस कप बैडमिंटन का फाइनल में आज भारत इंडोनेशिया ने 3-0 से हरार थॉमस कप रो गोल्ड मेडल जीतर इतिहास कायम करियो है। भारत पहली बगत थॉमस कप जीतियो है। शुरुआत में सिंगल मुकाबलों में भारत रा लक्ष्य सेन पहलो मैच जीतर भारत ने 1-0 से बढ़त दिलाई। युगल मुकाबला में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी आपरो मैच जीतर भारत ने 3-0 से जीत दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल और युवा मामला रा मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उनरी जीत माथे भारतीय टीम ने बधाई दीना है। बैडमिंटन के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट थॉमस कप पर भारत ने कब्जा कर लिया है। पहली बार भारत ने यह टूर्नामेंट जीता है। भारत ने इतिहास रचते हुए 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया। भारत को लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने चैंपियन बनाया है। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ऐतिहासिक जीत पर भारतीय बैडमिंटन टीम को बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर अपने बधाई संदेश में लिखा है कि भारतीय बैडमिंटन टीम ने इतिहास रचा है। भारत के थॉमस कप जीतने से पूरा देश उत्साहित है। हमारी कुशल टीम को बधाई और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। ये जीत कई उभरते खिलाड़ियों को प्रेरणा भी देगी। और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय बैडमिंटन टीम को भी बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, इतिहास बनाया गया, भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को थॉमस कप जीतने पर बधाई। मलेशिया, डेनमार्क और इंडोनेशिया पर लगातार जीत के साथ ये असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी उतने ही असाधारण सम्मान के हकदार हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखा, जैसे कि टीम इंडिया ने 14 बार के थॉमस कप चैंपियंस इंडोनेशिया 3-0 को हराकर अपना पहला थॉमस कप 2022 जीता है। भारतीय खेल के इस अद्वितीय उपलब्धि को स्वीकार करने के लिए नियमों में ढील देते हुए टीम को 1 करोड़ के नकद पुरस्कार की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं। जयपुर रा अभिनव आपरी कमजोरी ने ताकत बनाता विया, आपरी क्षमता रो परिचय दियो। वणा हाल ही में ब्राजील में विया डेफ बैडमिंटन ओलंपिक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतर देश रो नाम रोशन करिया है। आ रहे जयपुर आबा माथे परिवार में खुशी रो माहौल है। अभिनव रा घराणा रो कहनो है कि डेफ खेला ने दूजी कैटेगरी भांति ही प्रोत्साहन दियो जानो चाहिए।
अभिनव की जो ये उपलब्धि है ये अप्रत्याशित और बड़ी हमारे को आश्चर्यजनक है। और आज इसकी जो मम्मी की और इसकी जो मम्मी की खास तौर से जो इसकी तपस्या थी वो आज रंग लाई और अभिनव ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की और भारत के लिए खेला और भारत को विजय दिलाई। नवंबर 2009 में विधिवत रूप से हमने SMS स्टेडियम में इन दोनों बच्चों को इसकी बैडमिंटन की ट्रेनिंग के लिए हमने वहाँ इसको प्रवेश दिलाया। ऐसे बच्चों के जो माता पिता हैं उनसे सबसे मेरा ये कहना है कि वो दो बातों का ध्यान रखें। एक तो ये बच्चे सुनते नहीं बोलते नहीं, इसलिए कई बार इनके अंदर ऐसी चीज़ें होती है जो अब नॉर्मल लगती है, तो उससे घबराए नहीं, सहज रहें और इनकी जो प्रॉब्लम है उसको समझें और समझ करके इनकी योग्यता का योग्यता को विकसित करें, योग्यता की पहचान करें। अभिनव के खेल की सबसे अच्छी बात यह है कि अभिनव बहुत ही डेडिकेटेड है, कोई चीज़ को ठान लेता है तो उसके पीछे लग जाता है। इसके पास एक डिसएडवांटेज है नहीं सुनने का, लेकिन इसने उसको अपनी कमजोरी ना समझ के उसको ताकत में तब्दील किया और जहाँ पर दो बच्चे 2 घंटे प्रैक्टिस करते थे वहाँ इसने अपने एडिशनल 2 घंटे और जोड़ के 4 घंटे प्रैक्टिस की और धीरे धीरे वो रिजल्ट के रूप में दिखने लगी और उसके बाद में राजस्थान का नाम रोशन किया। राजस्थान की नॉर्मल कैटेगरी में अभिनव ने सिलेक्शन लिया और नॉर्थ जोन जैसे टफ कंपटीशन में राजस्थान की तरफ से पार्टिसिपेट किया। 2015-16 में जो 8th एशिया डेफ बैडमिंटन पैसिफिक चैम्पियनशिप थी उसमें भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल लेके आया और उसी के बल पर इसे 2015-16 में महाराणा प्रताप अवार्ड मिला। जयपुर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन ने इसे पूरा साथ दिया और अभी हाल ही में हुए 24वें डेफ ओलंपिक्स में अभिनव ने 15 साल बाद भारत को गोल्ड मेडल जिताया टीम इवेंट में और मिक्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता है और मैन सिंगल्स में भारत का 2005 के बाद में पहला मेडल आया जो कि ब्रॉन्ज मेडल है और ये उपलब्धि हासिल करके अभिनव राजस्थान के इतिहास में ओलंपिक के इतिहास में सबसे बड़ा प्लेयर बन गया। बहुत खुशी हुई, मारे नाम रोशन करे थे, मारे परिवार को नाम रोशन करे थे, मारे सबको नाम, मारा तरफ पोता थे वहाँ सब में नाम रोशन कर दियो और छोटा सा कि मोने भी चिंता रही थी, बाबा ने भी रही थी भाई ये कहीं कर लो पर अभी सबसे ही दुनिया में नाम कर दियो। बहुत अच्छे नकले और राम जी महाराज जी को आशीर्वाद से मारो तो इनके साथ जाए और आगे भी अतरो करे जाए। हमारी जिंदगी में खुशी होगी, हमारा जीवन में अद्भुत खुशी हुई। भैया ने देश के लिए गोल्ड जीता है, इनके लिए मैं बहुत बहुत इनको बधाई देती हूँ और बस यही चाहती हूँ कि हमेशा ये इसी लगन के साथ और आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहें और आगे भी ऐसे ही गोल्ड मेडल्स लाते रहें। प्रदेश में आपदा 2 दिन भीषण गर्मी और लू रहा हालात रहवेला। मौसम विभाग आश्रय गंगानगर बीकानेर और हनुमानगढ़ में लू रो रेड अलर्ट जारी करियो है। बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर नागौर झुंझुनू अलवर भरतपुर धौलपुर करौली सवाईमाधोपुर बूंदी और कोटा खातर ऑरेंज अलर्ट और जयपुर सीकर बारा झालावाड़ जालौर और पाली में येलो अलर्ट जारी करियो गयो है। और अब है खास खबर आखिर में एक और फेरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 3 दिन की जमैका यात्रा में है। राष्ट्रपति जमैका का गवर्नर जनरल पैट्रिक एलन रे साथ है प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता करेला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आरोप मांडियो के गहलोत सरकार में सामंजस्य रो अभाव है, कया राज्य सरकार आपरी बजट घोषणावा ने पूरी करवा में असमर्थ। सिरोही जिला रा उथमन रेकर ने सड़क हादसा में 6 लोगों की मौत, 5 दूजा लोग घायल। बैंकॉक में थॉमस कप बैडमिंटन रा फाइनल में आज भारत लारला चैंपियन इंडोनेशिया ने 3-0 से हरार थॉमस कप रो गोल्ड मेडल जीतर इतिहास बनायो। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी, कई जिला में अगला 2 दिन तक लू चल सके है।